अबे हैप्पी दिवाली कह रहे हो कि धमका रहे हो हम क्यों? जितना दिमाग है आपके पास उतना समझ लियो। ए, देखो इधर जरा, बताओ क्या है बताओ। एक तो हमारे बेंच पे बैठे और हम ही से ऐसी बात कर रहे हो। ये ले अपनी बेंच डाल ले। उतारे हमसे ज्यादा बदतमीजी नहीं बता दे रहे पहले। अरे ठीक है चाचा यार, अब तो लाठी नीचे कर ले। और तुम ए महाराज ए भैया का हुआ, इससे मिलक कहाँ है रे भैया? पटाखा नहीं मिला फोड़ने के लिए। पटाखा नहीं मिला फोड़ने के लिए तो इतना सीरियसली थोड़ी होया जाता है। तुम का जाने पटाखा फोड़ने का मजा है। तुमका पटाखा नहीं मिला फोड़ने के लिए इसलिए रो गए हो? नहीं तो और किस लिए? अरे अब हैप्पी दिवाली है तो अनहैप्पी दिवाली है हमारे लिए। हैप्पी दिवाली अंकल। बहिरा हो कहाँ एकदम? देखो बेटा जो लेने आओ उसको ले आओ, चुपचाप चले जाओ प्रेम पूर्वक, वरना तुमको हमसे ज्यादा तू तड़ाक नहीं चलेगा, समझे? तुमसे हमने अभी क्या कहा? और तुमसे हमने अभी क्या कहा वो नहीं सुने? ऐसे दिवाली क्यों मनाई जाती भाई साहब? ये ले ओ, अभी इनका यह नहीं पता कि दिवाली कहाँ मनाई जाती है। हाँ तो क्या खाली शरीर बढ़ती चली जा रही है, दिमाग को बढ़ाओ तनिका। अरे रुको हम बताते हैं दिवाली कहाँ के लिए मनाई जाती है, इनका कुछ नहीं पता, हम बताते हैं। आओ यहाँ। हाँ भाई साहब आप हमें बहुत समझदार लगते हैं, बताइए हमें। तो दिवाली सबसे पहले तो पटाखा फोड़ने के लिए मनाई जाती है, और दूसरा तो दीपक जलाने के लिए मनाई जाती है, और तीसरा ऐसे सड़ी गली दुकान पे बैठ के बकवास करने के लिए मनाई जाती है। बस इतना ही? हाँ नहीं तो और का इतना कम है का तुमका? ये जो सड़ी गली दुकान की बात कर रहे हो ना बेटा तुम, हम कर नहीं रहे हैं, कर दिए हैं। और हाँ तुम्हारे बेटे नहीं दादा की उम्र के हैं हम तुम्हारे, समझे? अच्छा दादाजी। यार आज दिवाली है कुछ मिठाई उठाई खिलाओ। किराने की दुकान है मिठाई की नहीं। तो पटाखा काहे दे रहे हो? है पटाखा काहे दे रहे हो, काहे नहीं कही देव कि किराने की दुकान है पटाखे की नहीं? अरे यार अब खोपड़ी ना खाओ हमारी। अरे यार हम तो मिठाई मांग रहे हैं तो खोपड़िया खिला रहे हैं। अरे अंकल यार थोड़ा डेकोरेशन करा लिए होते, दिवाली वाली है तो थोड़ा अच्छा लगता। पैसा जब बचेगा एक को खाने सीन से तब ना करवाएंगे डेकोरेशन। सही है, एकदम सही। नहीं तो का बिल्कुल सही है। वैसे दिवाली किस लिए मनाई जाती है? अब ले ओ, इनको बताओ दिवाली कहाँ के लिए मनाई जाती है। वाह हम बताए? हाँ बताओ बिल्कुल बताओ। दिवाली मनाई जाती पटाखा फोड़ने के लिए, छुरछुरे जलाने के लिए, बम बगाने के लिए। बस ये नहीं बता पा रहा है कि दिवाली दीपक जलाने के लिए मनाई जाती है, गधा कहीं क्या? पहले कहाँ थे हैं? पहले कहाँ थे? यही थे तो पहले कहाँ नहीं बताए हैं? जितना बता दिया उतना सुन ले वरना में जाइए। नहीं नहीं वरना फटे हुए बम के चिथड़े के साथ सड़ी हुई नाली में जाइए। अगली बार ना ऐसा मत कहना, बता रहे हैं। अरे आपको थर्ड इन कह रहे हैं तो इतना लंबा किसके लिए कहा, बताओ हमें भी। अरे वो तो ऐसे है बात आ गई तो कह दिया, उसको आप दिल पे ना लीजिए यार। बात को दिल पे नहीं ले तो कहा थे बड़े भी ले कहा। यही है दिवाली का असली धमाका। कोई नहीं बड़े है वरना एक धमाका और होता। अच्छा बेटा। ए भाई साहब। हाँ बोलिए। 5 रुपया वाली छुरछुरिया है का? 5 रुपया वाला जमाना चला गया, 5 रुपया सुपर भी उठो यार। अरे भाई साहब ये भी आप ही की तरह है कंजूस मारवाड़ी, तभी 5 रुपया मांग रहे हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती नहीं छुरछुरिया। हाँ वही, कहाँ बड़ा अंतर है? अरे अंतर है अंकल जी, अंतर है बहुत है। अरे कहाँ अंतर है यार, अगर बत्ती बस धुकुर धुकुर धुआं फेंकती है और छुरछुरिया चिंचिन चिंचिन चिंगारी फेंकती है, बस यही है। हाँ ठीक है तो कितने वाली छुरछुरिया है आपके पास? 60 रुपया वाली। क्या बोले? 60 रुपया वाली। यार
इतने में तो हम अपने लौंडे के लिए गोला पटाखा ले चले जाए। तो गोला पटाखा ही ले ले ओ। हम चाहे गोला पटाखा लें चाहे बम पटाखा लें, तुमसे क्या मतलब है? तुमसे क्या मतलब? हमारी दुकान से ही लोगे ना, इसलिए कह रहे हैं। बाजार में ना बहुत दुकान है, वहाँ से ले लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? पटाखा दो भैया। कौन पटाखा फोड़ेगा बहन जी? हम फोड़ेंगे। मजाक ना करिए बहन जी। अरे कसम से नल्ला हो का, इतना सीरियसली हो के कह रहे हैं, तुमको मजाक लग रहा है? वैसे कब से आप पटाखा फोड़ रही हैं? जब से पैदा हुए हैं। अरे गजब, आपकी हिम्मत को तो दाद देना पड़ेगा बहन जी। दाद ही का है, हम तो कहते खुजली भी दे दो ना। देखिए आप जो रुक गई, वरना बहुत अनर्थ हो जाता। कौन सा पटाखा दे? बम दे बम, जिसको टकराने से दो चार इलाके में हड़कंप मच जाए। अरे ऐसा बम नहीं रखते यार हम। अरे मतलब जो भी है वही दो, हम असली वाला बम नहीं मांग रहे हैं। हाँ तो ठीक है, दे रहे हैं बैठो। अब दिवाली यार वो मजा नहीं रहा जो पहले आता था। कौन सा मजा आता था पहले वाली दिवाली में, जो अब नहीं आ रहा है? अरे अब क्या बताएं आपको बहन जी। ए भैया माऊक पटाखा दे, हमारे लड़का इंतजार कर रहा होगा। भैया अब तक कहाँ थे? यहीं पे तो थे, और कहाँ? पहले हम लेंगे पटाखा, उसके बाद लेना तुम। पहले हम लेंगे, हमें लेन दो। पहले हमें लेना दो, वरना पटाखा यहीं फटने लगेगा। ए देखो ऐसा है, यहाँ पे कोई पटाखा वटाखा नहीं दगाएगा, पहले बता रहे हैं। और अगर दगाया तो दग जाएगा, और का? ए, अंकल आप पटाखा दगाने जा रहे हो का? है का हुआ? नहीं दगाओ, हम हो देखेंगे। हम आयु बाप पटाखा फोड़ने वाली लग रही का तुम का? नहीं आपकी उम्र फटे हुए पटाखे की चिथड़े बीनने वाली लग रही है हमको। बेटा रुको, अभी दिखाते हैं तुमको कैसे पटाखा फोड़ा जाता है, रुको। अरे आप डरिए नहीं, डरिए नहीं, पटाखा इसे हम दगाते हैं, देखो अभी। ये दगा का है नहीं? कैसे दगेगा, जब पटाखा में दमन नहीं है तो दगेगा कैसे? हाँ एकदम नकली पटाखा बेच रहे अंकल। अरे नकली नहीं यार, रुको हम देखते हैं। पटाखे के नजदीक ना जाइए, पटाखा कभी भी फट सकता है, दग सकता है। हमारा पटाखा हम बहुत अच्छे जानते हैं कि पटाखा कब दगेगा। ठीक है फिर जाइए देखिए। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए बी एस आर माहौल को सब्सक्राइब करें।